हिसार के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के चलते सालों पुराना पेड़ अचानक धराशाही हो गया। वह निर्माणाधीन टीन शेड पर जा गिरा, जिससे रोड पर खड़ी 3 से 4 दो पहिया व 4 पहिया वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के मुताबिक इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र स्थित मच्छी बाजार की मेन रोड चौड़ीकरण का कार्य कई दिनों से चल रहा है। इसी के चलते रोड के बीच में कई वर्षों पुराना पेड़ लगा हुआ था, जो कि खुदाई के कारण काफी कमजोर हो गया था। इसी के चलते पेड़ बीती शाम गिर जाने के कारण घर के बाहर बने टीन शेड पर जा गिरा, जिससे टीन शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रोड पर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम को कई बार इसकी सूचना दी थी, लेकिन निगम द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देने के चलते यह हादसा सामने आया है। हादसे के वक्त कई बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, वह तो गनीमत रही कि पेड़ इन बच्चों पर ना गिरा, नहीं तो एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। भैया अभी यहाँ पे झाड़ गिरा है, हम लोग काफी टाइम से कंप्लेन कर रही थी नगर निगम में भी 4-5 बार 3110 पे जो कंप्लेन है, पर कोई सुनने वाला नहीं। कितने साल पुराना पेड़ है? बरसों पुराना है। कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? हाँ, 3 गाड़ियाँ पूरी खत्म हो गई एक तरह से, तो किसी को लगी नहीं, तो बच्चा अच्छा कोई आया नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो नहीं हुआ है, शेड ही पूरा खत्म हो गया।